हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट अकाउंटिंग आरसनआर में। गाइस, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे कि एक प्रोफेशनल और परफेक्ट अकाउंटेंट बनने के लिए हमें क्या कुछ सीखना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो गाइस, अगर आपका भी एक सपना है भी मैं एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनूं, तो आपके मन में भी काफी सारे सवाल आ रहे होंगे कि मुझे प्रोफेशनल परफेक्ट अकाउंटेंट बनने के लिए कौन सा कोर्स करना चाहिए या टेलीविजी में से कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए जिसे मुझे जॉब आसानी से मिल जाएगी। तो गाइज, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आपके सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में ही मिल जाएंगे। हाय गाइज, मैं मोहन सुतार रायसेनगर से। फ्रेंड्स, अगर आपका एक सपना प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनने का है और अभी तक आपको अकाउंट्स के बारे में अच्छी जानकारियां नहीं है, अभी आप बिल्कुल फ्रेशर हो, तो गाइज सबसे पहले आपको कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने से पहले मैनुअल अकाउंटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिजनेस के ओरिजिनल वाउचर्स के साथ। तो गाइज, अगर हम बिजनेस के ओरिजिनल वाउचर्स के साथ जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हमें अकाउंट्स के बेसिक्स रूल और टैक्सेशन के बेसिक्स रूल के बारे में जानकारी अच्छी तरीके से हो जाती है, जिसे हम जब भी हम कंप्यूटर आईडी अकाउंटिंग करते हैं तो हमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बेसिक अकाउंट्स करने से बेनिफिट हमें जैसे डेबिट्स क्या चीज होता है, क्रेडिट क्या चीज होता है, पर्सनल अकाउंट क्या चीजें हैं, रियल अकाउंट्स क्या चीज है, नॉमिनल अकाउंट्स क्या चीज है, इन चीजों के बारे में हमें सब कुछ अच्छी तरीके से जानकारी मिलती है। और टैक्सेशन में जीएसटी क्या चीज है, जीएसटी की इनवॉइसिंग कैसे बनती है, जीएसटी की डे बुक कैसे तैयार होती है, उनके लेजर कैसे क्रिएट होते हैं, जीएसटी की रिटर्न कैसे तैयार की जाती है, टीडीएस क्या चीज है, इनकम टैक्स क्या चीज है, बुक्स की फाइनलाइजेशन कैसे की जाती है, तो इन सभी चीजों की जानकारी हमें मैनुअल अकाउंटिंग से मजबूत होती है। तो गाइस, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने से पहले मैनुअल अकाउंटिंग प्रैक्टिस करें, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि गाइस, अगर आपके जब तक आपको ओरिजिनल अकाउंटिंग वाउचर्स की अगर पहचान नहीं होगी, फिर प्रत्येक दिन वो इस कैसा होता है, सेल्स इन वोस कैसा होता है, पेमेंट रिसिप्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, बैंक्स के वाउचर कैसे होते हैं, ये कैसे तैयार किए जाते हैं, तो तब तक आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने में कोई बेनिफिट नहीं है। तो इससे पहले आपको मैनुअल अकाउंटिंग की प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। अगर आप किसी संस्थान से डायरेक्टली टेली बीजी या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखकर पर्टिकुलर किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो वहां पे आपको जॉब मिलने के चांसेस बिल्कुल ही ना के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि उस कंपनी के नजरों में आप एज ए टेली ऑपरेटर हो, न कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट। तो गाइस, अगर किसी भी सॉफ्टवेयर की उसके फीचर्स के बारे में जानकारी रखना या उसके कमांड्स के बारे में जानकारी रखना एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनने के लिए काफी नहीं है गाइस। तो गाइस, आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी आप प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से पूरा परफेक्ट अकाउंटिंग का कोर्स प्रैक्टिकल के साथ सिखाएंगे। इनका वाउचर्स में ओरिजिनल वाउचर्स था टेलीबीजी के अंदर वर्क कैसे किया जाता है, ताकि आप जब भी आप रियल टाइम में कोई अकाउंटिंग की जॉब शुरू करो तो वहां पे आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो गाइज, आज का ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स का शेयर भी जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।